अच्छा गाइस, हम लोग इस वक्त कश्मीर में हैं एंड फर्स्ट हम लोगों ने विंटर की जो है वो स्नोफॉल हम लोग इंजॉय कर रहे हैं एंड ऑन द वे टू तोलीपीर। हमारा प्रोग्राम तो तोलीपीर का था बट इट्स टू मच स्नोफॉल जो कि अभी स्टार्ट हुई है और आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो गई है। तो हम लोगों ने यही बेहतर समझा कि हम लोग इधर रुके। हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं कुछ, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल सांते के स्किन के हमारे मैनेजर हैं मिस्टर जुनेद कयूम, और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कैसा इनको लगा तोलीपीर का रास्ता। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है तोलीपीर का। अभी हम एग्जैक्ट पहुँच भी नहीं सके, जैसा कि बताया रेल साहब ने कि ये ना सिर्फ पहली बर्फ़बारी है, ये पहली बर्फ़बारी साल की भी पहली बर्फ़बारी है, 2023 का भी पहली 2023 की भी ये पहली बर्फ़बारी है जो हम लोग इधर आए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आएँ लेकिन थोड़ा सा अपना प्रॉपर बंदोबस्त करके आएँ, प्रॉपर विंटर के हिसाब से सारा बर्फ़बारी के हिसाब से बंदोबस्त करके आएँ और आप भी लोग आगे इंजॉय करें। अभी हम तोलीपीर एग्जैक्ट पहुँचे भी नहीं है, यहाँ से तोलीपीर अराउंड अबाउट 18 से 20 किलोमीटर भी मजीद है और यहाँ पे जो है ना ये खूबसूरत कुदरत का एक नज़ारा आप देखते जाएं। जिस तरफ आप देखेंगे पहाड़ों ने भी वाइट सारी तरफ बर्फ जो है ना ओढ़ लिया, ढांप लिया, पहाड़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता सारी बर्फ़ ने ढांप लिया है। तो हर तरफ दरख्तों पर हर जगह कुदरत में माशाल्लाह खूबसूरत एक नज़ारा है। चले जी, दैट्स गुड, आप इंजॉय करें। और नेक्स्ट हमारे माशाल्लाह से ये दूर से भागते हुए आ रहे हैं, उनको पता है उनकी बारी है। तो ये मिस्टर अमजद हैं, हमारे ENT के चीते हैं और ये बड़ी बात है कि ये बेगम के बगैर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो जी अमजद साहब। सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तोलीपीर, अभी हम पहुँचे नहीं अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वेदर है, इस वेदर ने हमें आगे जाने नहीं दिया और फर्स्ट टाइम मैं स्नो देख रहा हूँ कश्मीर की। ठीक है, मैंने तो इसके अलावा मरी और देखी है लेकिन स्नोफॉल, लेकिन जो कश्मीर की स्नोफॉल है उसका भी जौन सा ये क्रेडिट है, ये रेल साहब को जाता है और जिनकी वजह से हम लोग ये आए हैं इधर तोलीपीर और झील बंजोसा में, हमने इंजॉय किया और बहरहाल बहुत अच्छी स्नो पड़ रही है और अब बस खैर वाफियत से हम वापस पहुँच गए, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे फैमिली के साथ। अब ये हमारे माशाल्लाह गैर शादीशुदा एक हमारे प्ले बॉय हैं मिस्टर उस्मान फ्रॉम स्किन, और ये इनकी तरफ मैं जा रहा हूँ एंड ही इज इंजॉइंग अ लॉट और फर्स्ट टाइम ये भी कश्मीर का नज़ारा कर रहे हैं। चले, दैट्स गुड, और अल्लाह करे आपकी जल्दी शादी हो इंशाल्लाह। और ये हमारे ENT के सीनियर राहिल अवान एंड फ्रॉम ENT सांते फैमिली, और बेसिकली तो मैंने काफ़ी दफ़ा कश्मीर को इंजॉय किया हुआ है बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि स्नो फॉलिंग जो है वो तोलीपीर के रास्ते में मैं होते हुए देख रहा हूँ। वैसे ऊपर तक मैं गया हुआ हूँ तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जगह है, बहुत अच्छा एक इंजॉय हम लोग कर रहे हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली मेरी कैब भी घर रह गई है, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन इंजॉय कर सकते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह हम लोग खैर वाफियत से अभी वापसी के लिए निकल रहे हैं और आप लोग भी आएँ और इंजॉय करें।